जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का पंचांग 27/6/2023 ज्येष्ठ माह तिथि सप्तमी शुक्ल पक्ष मघा नक्षत्र दिन शनिवार ग्रीष्म ऋतु रवि उत्तरायण चंद्रमा सिंह राशि पर सूर्य वृख राशि पर बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हैं। आइए अब जानते हैं आज की 12 राशियों के बारे में उनका फल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ध्यान दें, आज आपकी जो भी योजना है वह सफल होगी, अधूरे कार्य जो छूटे हुए हैं वह पूरे होंगे, कोई वाहन का क्रय विक्रय हो सकता है, कार्य की क्षेत्र में उन्नति से हर्ष लाभ प्राप्त होगा एवं मेष राशि वाले मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। आइए द्वितीय राशि है वृख। तो वृख राशि के बारे में जानते हैं, कोई भी आपकी योजना है वह निराशा होगी, अजनबी लोगों से सचेत रहें, सतर्क रहें। आप नौकरी करते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यवसाय में मंदी के असर रह सकते हैं। और वृख राशि वाले यदि रत्न धारण करते हैं तो उनके लिए हीरा या फिर उसका उपरत्न ओपल रत्न पहन सकते हैं। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले ध्यान दें, राजनीतिक दृष्टि में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कोई धन डूबा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है वह मिलने की संभावना है, नए कार्य बनेंगे, नए विचार बन सकता है और कोई नया काम आज आपका हो सकता है। मिथुन राशि वाले यदि रत्न धारण करते हैं तो उनके लिए पन्ना रत्न शुभ रहता है। आइए अब चौथी राशि कर्क है, उसके बारे में विचार करते हैं। कर्क राशि वाले लोग कानूनी वाद विवाद में परेशानी हो सकती है, अटके हुए कार्य की कोई पूर्ति होगी आपकी, व्यवसायिक बिजनेस संबंधित स्थिति ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी और आपका कुछ नया कार्य होने की संभावना है। कर्क राशि वाले रत्न मोती धारण कर सकते हैं। आइए पांचवी राशि है जो सिंह, उसके बारे में विचार करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य सहायक रहेगा, विकास के क्षेत्र में अवसर मिलेंगे, संपत्ति में वृद्धि होगी, घर में आनंद रहेगा, घर के परिवार लोगों से बहुत अच्छे तालमेल और विचार रहेगा। संघ राशि वाले यदि रत्न धारण करते हैं तो उनके लिए माणिक रत्न शुभ है। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि पर। छठवीं राशि होती है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लोकप्रियता बढ़ेगी, अटकी योजना वह सफल होगी, साकार होगी, व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आपका दिन आज ठीक रहेगा। कन्या राशि वाले रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो राशि है वह है तुला। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है, दल बदल हो सकता है, व्यवसाय में सामान्य स्थितियां रहेंगी, लाभ होगा, सेहत नरम रहेगी, शरीर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। और तुला राशि वाले रत्न धारण करते हैं तो हीरा या फिर उसका उपरत्न ओपल पहन सकते हैं। आइए आठवीं जो राशि है वह है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें, आपके लिए आज के दिन भू संपत्ति में वृद्धि होगी, भूमि जमीन मकान प्लॉट इत्यादि के लिए ठीक रहेगा,
संतान पक्ष से निराशा हो सकती है, कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, सभी कार्य आपके लिए ठीक रहेगा। और वृश्चिक राशि वाले रत्न से संबंधित मूंगा नामक रत्न धारण कर सकते हैं। आइए अगली जो राशि है वह है नवम राशि धनु। धनु राशि के बारे में हम लोग जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी, मित्रों से सहायता हो सकती है, जमा जो पूंजी आप वर्षों से किए हुए उसमें वृद्धि प्राप्त होगी, धंधा बिजनेस लाभ व्यापार बढ़ेगा, आपके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। धनु राशि वाले पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। आइए अगली राशि है दशम मकर। मकर राशि वाले ध्यान दें, नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे, अचानक से विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है, व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा, मान सम्मान होगा और बिजनेस जो आपका है वह मध्यम स्थिति में रहेगा आज के दिन। रतन की दृष्टि से देखा जाए तो मकर का स्वामी शनि है और शनि का जो रतन है वह नीलम है, तो नीलम रतन धारण कर सकते हैं। ग्यारहवीं जो राशि है वह कुंभ है। कुंभ राशि के बारे में जानते हैं, कुंभ राशि वाले आज के दिन आत्मबल बनाए रखें, शुभ सूचना आज आपको प्राप्त हो सकती है, कोई नया समाचार प्राप्त होगा, व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, स्थिति ठीक रहेगी। और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, ये भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। आइए आखिरी जो राशि है बारहवीं वह है मीन। मीन राशि वाले ध्यान दें, शत्रु पक्ष से स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, शत्रुओं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, नए कार्य नए विचार नए व्यवहार बनेंगे, घर में आनंद रहेगा, सभी कार्य आपके ठीक रहेंगे और कोई एक नया काम बनने की स्थिति भी बन सकती है। तो ये रहा आज की 12 राशियों का पृथक पृथक यानी अलग अलग फल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।